नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री कृष्ण जी महाराज, राधे राधे। ढोलक का एक थोड़ा सा कठिन पिकअप या फिर सिक्स एट का लंगी भी बोल सकते हैं आप। सिक्स एट बोले तो खेमटा, धिन तक धिन राज तक धिन राज तक धिन राज। तो ठेका कैसा बचता है उसका, पहले भी मैंने दिया है, ये मेरी जोहरा जाने वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए, उसमें दिया है। ये चलता रहेगा, ये छल्ला है, ये चलता रहेगा। और एक काम जरूर करें आप, ढोलक अपना ट्यून करके जरूर बजाएं। माया देखो ऐसा बजे, ये बज रहा है तो बोल है दिन तक दिन ना जित तक दिन ढग ते ते कर दच दिन तक दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना 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 दिन ना। तो ये बोल लिख के आ जाएगा, मैं फिर से बताऊंगा, जब स्लोगन बताऊंगा तभी बताऊंगा, अभी शायद से आप लोगों को समझ में ना आए और फिर से मैं बताऊंगा, इसको बजा के एक बार सुनाता हूँ। कठिन बोल है, आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा, धागे ते ते कर्धच वितक, धागे ते ते कर्धच वितक, दिन दिन नाते के ना दिन नाते के ना दिन दिन नाते के ना दिन नाते के ना तागे ते ते कर्धच वितक। तो उसको दिन दिन नाते के ना दिन नाते के ना दिन दिन नाते के ना दिन नाते के ना, वो कैसे बजाएंगे आप ढोलक में? पहले माया दिखाएगा, नहीं पहले मदिन दिखाएगा। धागे धागे ते ते कर्धा छिद्रता, वजन आ रहा है कद पे, धागे ते ते कर्धा का डेकोरम कुछ ये है। ऐसा नहीं है, मतलब मैं थोड़ा सा वजन बदल के बजा रहा हूं, इसका दूसरा वजन भी है, एक और वजन है।
तो इसको क्या है धागे टिक टिक कर दाची गिर तक के दिन दिन ना दिखे ने दिन ना दिखे ने दिन दिन ना दिखे ने दिन ना दिखे ने धागे टिक टिक कर दाची गिर तक दिन दिन ना दिखे ने दिन ना दिखे ने दिन दिन ना दिखे ने दिन ना दिखे ने दिन। जिसका दिमाग तेज है जो रियाज करता है वो बजा पाएगा इसको एकदम आसानी से। चलिए कितना 15-20 मिनट में। जिसका रियाज नहीं है साल भर का बोल ले बहुत कठिन। कहाँ से वजन शुरू होगा मालूम नहीं पड़ेगा आपको। मैं एकदम स्लो बताता हूँ अभी फिर भी छल्ले का काम तो है। गुस्सा है भाई परिचय दे रहा है ये ढोले पर बैठा है अमुक व्यक्ति जो अभी कुछ सोलो बजाएंगे तो आप ऐसे थोड़ी ना बजाएंगे। ऐसे थोड़ी ना बजे थोड़ा सा ठाट रखो अपने में भी।
करेंगे। इस वीडियो में जो लेसन दिया हुआ है ये उठाइए और स्टूडियोज में लाइव में कहीं पे भी, ये यूनिक है, बहुत यूनिक है, बजाइए और अपना नाम एकदम से झटके से बड़े पर्दे पे लाइए। हमारा भी ये सब बजाते बजाते ही आज इंस्टाग्राम में पोस्ट करते करते आज गुरु जी हमको देखे, उनसे पहचान हुआ, जान पहचान हुआ, उनको फोन किया। इतना बड़ा जगह में मैं आ नहीं सकता था ना डायरेक्ट, तो अपना वीडियो करिए, अपना ये जरिया होता है अपने आप को फेम में लाने का। फेम ये है, फेम में लाने के लिए खाली फेम का मत सोचो, फेम में लाने के लिए इसका सोचो, इसको बजाना भी है ठीक तरीके से। और मेरा सुर देखो ढोलक का एकदम, और मुझे दरख्वास्त है करीमगंज के सभी से, तो करीमगंज में ये जो चमड़ा लगता है ढोलक में, चमड़ा बड़ा गंदा लगा देते हैं, तो उस चमड़े को ना लगाए कृपया करके, बाहर से चमड़ा ले जाकर ढोलक बजा रहे तो प्रोफेशनल, तो थोड़ा सा आस भी आता है। म्यूट साउंड भी आता है, तो ऐसा ना लगाए। और अगर किसी को कूड़े का जरूरत हो ढोलक के, तो हमको मैसेज कर सकते हैं। इधर में गणेश विद्यालय है, उनसे हमारा पहचान है, मैं उनका नंबर आपको दे दूंगा, जो मेरे पास क्लास करेंगे। इन दिनों मैंने अपना क्लासेस भी ओपन किया हुआ है, अगर क्लास करेंगे तो ढोलक अगर मंगाएंगे ठीक है, एक बार फट गया तो गणेश विद्यालय से लेके जाना, दाम भी कम पड़ता है। इसको करीमगंज में लगाने से 2500 चला जाता है इन दोनों का, और इधर में हमारा क्या है गणेश विद्यालय में हम लगाएंगे तो 1000 रुपये में दोनों हो जाता है, वो भी असली चमड़ा हो जाता है। थोड़ा सा ज्यादा पड़ सकता है, इन दोनों का 2500 नहीं आएगा, ये बात है। मेरा ढोलक क्या बनाया गणेश भाई का बदले ने, मेरा ढोलक का पूरा रिन्यू करते हुए 3000 रुपये लेगा, तो फिर ये कूड़े का दाम ज्यादा नहीं होगा। आगे तक छुपे तक ये वाला बजाए, बजा के देखिए इस बोल का तहलका दूसरे लेवल पर। राधे राधे, रखते हैं अगले वीडियो तक वेट करना, और शॉर्ट्स पे जरूर लाइक करें क्योंकि मैं नया हूँ अभी, सपोर्ट करें, इसको बड़ा यूट्यूब चैनल बनाना है अपने। राधे राधे।